क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 1432। इफ एक्स वाई आर रियल नंबर हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ एक्स एंड वाई। अपन से एस पॉसिबल वैल्यू एक्स और वाई की पूछी है। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए किसी भी नंबर का 5 में मल्टीप्लाई करें अपन, या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। आप किसी भी नंबर का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, तो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं आप देखिए, यहाँ पे 2 में से माइनस करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे तभी 0 आएगा, या फिर 7 में से 5 माइनस करेंगे तभी जो यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 आ रहा है वो आ पाएगा। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ 2 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है यूनिट डिजिट की पॉसिबल वैल्यू। x की पॉसिबल वैल्यू नहीं, x के यूनिट डिजिट की पॉसिबल वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 7 होगी। और अपन को पता है कि किसी भी स्क्वायर में लास्ट में 2 भी नहीं आता और 7 भी नहीं आता, किसी भी स्क्वायर के लास्ट में ना 2 आता है ना 7 आता है। ये आप देख लीजिए और आप करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिख लीजिए 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर, 24 तक स्क्वायर, उसमें सब डिजिट आते हैं, उसके बाद 2 और 7 नहीं आता। आप किसी भी स्क्वायर में चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि अपने पास x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है कि उसमें से अपन 5 बाय स्क्वायर माइनस करें तो यूनिट डिजिट 2 है यार, ठीक है, समझ गए।